वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुखराज। आज इस वीडियो में मैं सिखाने वाली हूँ एक होममेड फेस स्क्रब बनाना। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट, स्मूथ एंड ग्लोइंग बने, तो एक बार ना ये जो स्क्रब मैं आज बताने वाली हूँ उसको यूज करके जरूर देखिएगा। इस फेस स्क्रब की खासियत ये है कि ये आपकी ड्राई, डल, बेजान जो स्किन होती है ना उसको सॉफ्ट, स्मूथ एंड ग्लोइंग बनाती है। बहुत ही इफेक्टिवली फेस से ना ये डेड स्किन सेल्स जो होते हैं उसको रिमूव करती है एंड इसी के साथ स्किन जो होती है उसको नरिश, हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज करती है, जिससे स्किन जो होती है ना बहुत ज्यादा ग्लोइंग एंड रेडिएंट बनती है। ये जो स्क्रब हम बनाने वाले हैं ना ये स्पेशली ड्राई स्किन लोग जो होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जो है वो अच्छा है। बनाने के लिए हमको चाहिए 3 इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहली चीज जो मैं ले रही हूँ वो है आमंड माने बादाम। यहाँ पर मैंने ना 8 जो है वो बादाम लिए हैं। गाइस बादाम ना स्किन के लिए जो होते हैं ना बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। बादाम एंटीऑक्सीडेंट एंड वाइटामिन से जो है वो रिच होते हैं। इसमें वाइटामिन ई होता है, स्किन को ना बहुत ज्यादा जो है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अब आपको करना क्या है कि ये जो बादाम है ना इसको आपको डालना है एक ब्लेंडर में एंड इसको ना अच्छे से जो है वो पीसना है एंड इसका एक फाइन सा जो है वो पाउडर बनाना है। बिल्कुल ये खुरदरा जो है वो नहीं होना चाहिए। देख सकते हैं ये जो बादाम है ना इसको मैंने ना पीस लिया है, बहुत ही एक जो है वो फाइन सा जो है इसका पाउडर बना लिया है। इसमें बिल्कुल भी जो है वो खुरदरापन जो है वो नहीं है। दूसरी चीज जो यहाँ मैं ले रही हूँ वो है हनी। मेरे पास जो है पतंजलि का हनी है एंड यहाँ पर मैंने अराउंड 2 टेबलस्पून जो है वो हनी ऐड कर रही हूँ। हनी ना स्किन के लिए जो है बहुत ज्यादा जो है वो अच्छा होता है, स्किन को मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेट करता है, साइंस ऑफ एजिंग जैसे कि रिंकल्स एंड फाइन लाइंस जो होती हैं उसको कम करने में हेल्प करता है एंड स्किन को ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट, स्मूथ एंड ग्लोइंग बनाता है। तीसरी चीज जो यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ वो है ऑलिव ऑयल। मेरे पास ना विश केयर का जो है वो ऑलिव ऑयल है। यहाँ पे अराउंड मैं 2 टेबलस्पून जो है वो ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। अगर इनकेस आपके पास ना ऑलिव ऑयल अवेलेबल नहीं हो तो आप ना आमंड ऑयल या फिर आर्गन ऑयल जो है उसका यूज भी कर सकते हैं। अब ये जो मिक्सचर हमने प्रिपेयर किया है ना इसको आपको अच्छे से जो है वो मिक्स करना है। ये देखें इसको अच्छे से जो है मैंने मिक्स कर लिया है एंड ये जो स्क्रब है ना ये रेडी हो गया है। इस स्क्रब को यूज करने से पहले मैं आपको यहाँ ना एक टिप देना चाहती हूँ। टिप ये है कि कभी भी जब आप स्क्रब को यूज करें ना तो स्किन में ना बहुत जोर से दबाकर जो है वो यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो लॉन्ग टर्म में ना आपकी स्किन जो है ना वो डैमेज होगी। तो सबसे पहले ये जो पानी है इससे मैं अपना फेस जो है उसको थोड़ा गीला कर लेती हूँ। अब ये जो स्क्रब हमने बनाया है ना इससे मैं आपको हल्के हाथों से जो है वो स्क्रब करना है। सर्कुलर मोशन में जो है वो स्क्रब करें, स्पेशली जिस जगह पे आपको ब्लैक हेड्स होते हैं। अगर इनकेस आपको लगे कि स्क्रब जो है बहुत ड्राई हो रहा है थोड़ा सा पानी जो है आप उसका यूज कर सकते हैं। इस तरह से हल्के हाथों से जो है आपको स्क्रब करना है। इस तरह से ये जो स्क्रब है ना इसको आपको अराउंड 5 से 7 मिनट तक जो है वो अच्छे से स्क्रब करना है। गाइस स्क्रब करते हुए ना मुझे अराउंड 5 से 7 मिनट जो है वो हो चुके हैं। अब हमें करना ये है कि हमको ना नॉर्मल पानी से जो है ये जो स्क्रब है ना इसको वॉश करना है। तो चलिए स्क्रब को ना मैं आपको वॉश करके जो है फिर इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। ये जो स्क्रब है ना इसको मैंने वॉश कर लिया है एंड इसका रिजल्ट ये है कि अभी मेरी स्किन जो है ना वो बहुत ज्यादा ही जो है वो सॉफ्ट, स्मूथ लग रही है। बिल्कुल भी किसी तरह के इरिटेशन जो है वो स्किन में नहीं है। स्किन की ड्राइनेस जो है वो भी बिल्कुल फील नहीं हो रही है। बहुत ज्यादा चेहरा जो है ना अभी मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेटेड लग रहा है। एक अच्छे रिजल्ट के लिए ना इस स्क्रब को आपको वीक में अराउंड 2 टाइम जो है वो जरूर यूज करना है। यूज करके देखें किस तरह का रिजल्ट आपको मिलता है, मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। गाइस अगर आपको मेरे जो वीडियो है ना पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, बेल आइकन जो है उसको दबाना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।